अमन, एक एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जो कि अब नंबर गेम में देखना पड़ेगा कि इलाकों का क्या हाल है। महाकौशल में कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है, चंबल ग्वालियर में बीजेपी बेहतर कर रही है, राजस्थान के अंदर अगर हम इलाकों की बात करें, अगर हम संभागों की बात करें तो सचिन पायलट का संभाग खराब कर रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या प्रदर्शन खराब कहां हुआ है। और अशोक, देखिए एक बात हमें एग्री करनी पड़ेगी, अशोक गहलोत की विदाई वैसी नहीं हो रही है जैसा बीजेपी चाह रही थी। बीजेपी के नेताओं से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बात होती थी, उन्होंने उन राजस्थान में वो कहते थे अब के कांग्रेसी फॉर्च्यूनर में आएंगे, दे यूज टू से दिस। लेकिन हाउ अशोक गहलोत हैज फॉट इलेक्शन, वी हैव टू, आप उनका चुनाव मैनेजमेंट देखिए, चुनाव मैनेजमेंट उनका गड़बड़ नहीं रहा है। कांग्रेस में सिर्फ अटोवल की वजह से कांग्रेस की हार हो रही है राजस्थान के अंदर। बीजेपी का प्रदर्शन 130 सीटों वाला होना चाहिए राजस्थान के अंदर, जो नहीं होता हुआ दिख रहा। शहजाद, मतलब गहलोत को हरा रहे हैं लेकिन उतनी बुरी तरह से नहीं हरा पाए जितना हरा सकते थे, हराना चाह रहे थे। शहजाद नहीं है अभी, दोनों को नमस्कार। और अभी जी आपको याद होगा, हाँ बोलिए बोलिए शहजाद, आवाज आ रही है। अमित जी आपको याद होगा कि अमित जी आपके शो पर मैंने उस दिन कहा था कि 3-0 हम जीतेंगे जी। और जहां तक राजस्थान की बात है, अमन जी और अमित जी आप लोगों का एक न्यूज 18 राजस्थान भी है, उस न्यूज 18 राजस्थान को एक मिनट के लिए ट्यून इन कर लीजिए, वहां पर हमारी लीड 30+ है। और आप देखना, कुछ और देर का इंतजार कीजिए, हम इस लीड को 40+ बढ़ाएंगे। हमारी राजस्थान में भी बड़े मार्जिन से जीत हो रही है, एक ही नंबर चल रहा है दोनों चैनल्स के ऊपर, मंत्री आ रहे हैं, एक ही नंबर चल रहा है दोनों चैनल्स के अंदर, जो न्यूज 18 राजस्थान का नंबर है वही न्यूज 18 इंडिया का नंबर है। अभी थोड़ा चेंज हुआ है, हम आंकड़ों में कोई जादू नहीं करते, जादूगर तो अशोक गहलोत जी है, हम आंकड़ों में कोई जादू नहीं करते, जो आंकड़े होते हैं वही दिखाते हैं। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की जबरदस्त वापसी हो रही है, वापसी क्या, पहली बार सरकार बनाएगी कांग्रेस तेलंगाना में, सेटबैक फॉर भारतीय जनता पार्टी कि दक्षिण का दूसरा राज्य जहां कांग्रेस आ रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं अमीश जी, क्योंकि देखिए वहां पर हमारी केवल एक सीट थी, आज हम लोग 7 सीट और डबल वोट शेयर पर खड़े हैं। और देखिए ना, जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकारें चली है जैसे छत्तीसगढ़ राजस्थान, वहां से वो बाहर किए जा रहे हैं। जहां पर हमारी सरकारें चलती हैं 18 वर्ष के बाद भी हमें बब्बर मार्जिन से जिताते हैं, और जहां पर कांग्रेस ट्राइड नहीं है वहां पर शायद लोग उनके इन फेक गारंटीज में आ जाते होंगे। परंतु आज कांग्रेस की गारंटी की पोल खुल रही है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ तो इनके मॉडल थे ना कि यहाँ पर हमने सारी चीज़ें की हैं, हमने लोगों को राहतें दी हैं, हमने वादे पूरे किए हैं। वहाँ पर जनता साफ साफ कह रही, ना विभाजन का कार्ड चलेगा, ना सनातन विरोध का कार्ड चलेगा, ना वहाँ पर आपकी फर्जी गारंटियाँ चल रही है। इस प्रकार से कांग्रेस का रिजेक्शन होना राजस्थान और छत्तीसगढ़ से, ये बहुत बड़ा संदेश है। तेलंगाना में लोगों ने उनको ट्राई नहीं किया है, तो हो सकता है कि वहाँ पर लोगों ने अल्टरनेटिव के रूप में उनको आगे बढ़ाया हो, परंतु कम से कम जहां ट्राई किया वहां पर तो वो रिपीट नहीं है। सारा क्रेडिट आप खुद नहीं ले सकते ना, थोड़ा क्रेडिट आपको अपनी जीत का राहुल गांधी को भी देना होगा, सारा आप खुद नहीं ले सकते ना, ये भी गलत है। नहीं बिल्कुल, आप अभी विश्लेषण कर रहे थे, एक विश्लेषण ये होना चाहिए कि कहां कहां भारत जोड़ो यात्रा चली थी, राजस्थान में गई थी 33 सीटों पर में, और वहां पर भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान 33 सीटों पर गई थी, 525 जिले, वो 13 जिलों में 525 किलोमीटर। देखिए मुझे लगता है कि अब बोलना नहीं चाह रहा था, परंतु कौन किसके लिए पनौती साबित होता है, ऐसे शब्दों का मैं वैसे चयन नहीं करता हूं और राजनीति में करना भी नहीं चाहिए, परंतु कौन किसके लिए पनौती बनकर बैठा है ये वो अपनी अपनी पार्टी वाले खुद तय करें। आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर पर पर्सनल अटैक, सनातन, ये सारी चीजें बैकफायर करी, इसलिए मैंने बार बार सवाल पूछा ना। आप लोगों के स्टार प्रचारक जैसे ममता जी भी कहती हैं कि राहुल गांधी बीजेपी की बड़ी टीआरपी साबित होते हैं, तो अभी जो नतीजे 153 बीजेपी मध्य प्रदेश में, 109 बीजेपी राजस्थान में, 56 अमीश 56 हो गया आपके पीछे, नंबर देख रहा हूं मैं, 56 मतलब छत्तीसगढ़ में 56। कंपटीशन कांग्रेस में चल रहा है और वो कंपटीशन है राजस्थान में ज्यादा सीटें आती है या मध्य प्रदेश में ज्यादा सीटें आती है। राजस्थान में अब 74 है कांग्रेस, और कांग्रेस और मध्य प्रदेश में कांग्रेस 76 है, तो वहां कंपटीशन चल रहा है, यानी कमलनाथ और अशोक गहलोत में एक कंपटीशन चल रहा है, इंटरनल कंपटीशन कांग्रेस के अंदर कि कहां कितनी सीटें आती हैं। लेकिन अब बीजेपी तेलंगाना में 8 होती हुई, कांग्रेस 64 होती हुई, बीआरएस 41 होती हुई, लेकिन सीएम गहलोत के सलाहकार दानिश अनवर पीछे चल रहे हैं, सचिन पायलट आगे चल रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं राजस्थान में कई दिग्गज नेता पीछे चल रहे हैं, राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीछे चल रहे हैं,
राज्यवर्धन सिंह राठौड़ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीछे चल रहे हैं, भवानी का रुख करेंगे, भवानी का रुख करेंगे, लेकिन लेकिन नंबर पे इस पर रह लेते हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, 56 सीटें, ये 56 सीटें आदिवासी इलाके में। बड़ी खबर, महेंद्र सिसोदिया पीछे चल रहे हैं, बड़े नेता है बीजेपी के, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर आदिवासी सीटों के अंदर बीजेपी को बढ़त मिल रही है, आदिवासी सीटों में बीजेपी स्वीप कर रही है। यह बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए। बीजेपी की सरकारें जब रही भी, बीजेपी सत्ता में भी आई तो शहरों में जीत कर आती थी, याद करिए, आदिवासी इलाकों में उतनी बड़ी बढ़त नहीं देखने को मिलती थी। अमन, क्या आपको और क्या मेरा क्या और प्रताप सिंह खाचरियावास अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं, मंत्री हैं राजस्थान में, बड़े मंत्री हैं, दिग्गज नेता हैं। अमन, बिल्कुल, एक बार भवानी का रुख कर लेते हैं। भवानी के पीछे बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, जोश है, जश्न का माहौल है। भवानी, देखिए देखिए, इस वक्त मैं यहाँ पर विद्यालय नगर में हूँ। रिया कुमारी लगातार आगे बढ़े, उस बढ़त के बाद में आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि समर्थकों का तो उत्साह है, और यहाँ पर अलग अलग तरीके से आप देखेंगे कि ढोल बज रहा है, अलग अलग तरीके से काफी देर से यहाँ पर नाच गाना चल रहा है लगातार। ये जो तस्वीरें हैं, अपनी तस्वीरें का कुछ बता रही है, रिया कुमारी बढ़त बना रही है इस वक्त में, जो क्योंकि रिया कुमारी अगर आपने जो राजस्थान के अंदर बीजेपी के अंदर सीएम से उनमें से एक है। जी, हमें तो बहुत खुशी है इस चीज की, विद्याधर ने एक शानदार प्रत्याशी हमारे बीच में आ अभी तो आगे है, जीत जाएगी आप जी, बिल्कुल जीतेंगी, शोर जीतेंगी, 100% जीतेंगी और अच्छे मार्जिन के साथ जीतेंगी। सीएम कौन बनेगा अब? सीएम का तो सीएम सेंटर डिसाइड करे, 100% दिया कुमारी, रात को बोलता है, रात को बोलता दिया कुमारी, प्रचार प्रसार 100% ये देखिए, बड़ी अपडेट, बड़ी अपडेट, सज्जन सिंह वर्मा कांग्रेस के पीछे चल रहे हैं, पूर्व मंत्री हैं, सांसद रहे कई बारी के, छत्तीसगढ़ के अंदर बीजेपी की लीड बढ़ती हुई, 56 का नंबर आता हुआ। मैं चाहता हूं कि इस तस्वीर को आप देखें, ये बहुत बड़ा उलटफेर है, छत्तीसगढ़ बहुत बड़ा उलटफेर है। सुजाता पांडे कुछ कहना चाह रही है, सुजाता जी आप तक हम माइक पहुंचाते हैं, क्या कहना चाहती है? छत्तीसगढ़ ये बड़ा उलटफेर, बहुत बड़ा सेटबैक कांग्रेस पार्टी के लिए, अमिताभ सिन्हा की एंट्री हो रही है, ग्रैंड एंट्री अमिताभ सिन्हा हमारे इंडिया के पॉलिटिकल लीडर। आइए आइए अमिताभ जी, 56 मध्य प्रदेश में, 153 राजस्थान में, 107 तीनों राज्यों में, लगभग 300 भारतीय जनता पार्टी का, पहले सुजाता उसके बाद अमिताभ जी आ रहा हूं। अमित जी, 2018 में कांग्रेस 25 और बाद में दांतेवाड़ा की एक और सीट जीत के 26 सीटें जीती थी ट्राइबल एरियाज में, ये आदिवासियों में, और ये कहा गया था कि बीजेपी वहां पे अपनी पैठ खो चुकी है, लेकिन आज ये दिखाता है कि जो भी वादे भूपेश बघेल ने किए वो सारे छत्तीसगढ़ को मैं भी ट्रैक कर रहा था, और बीजेपी वापस कर रही है।